मैम, केडी हॉस्पिटल में एक कोरोना पेशेंट पाया गया है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं डॉक्टर रीना केडिया हूँ। पेशेंट नर्मदा श्रीवास्तव 1 तारीख को मुझे दिखाने आई थी, लेकिन तब तक मैं, चूंकि मेरे ओपीडी का समय खत्म हो चुका था, तो उसने मुझे व्हाट्सएप से रिपोर्ट भेजी। उसकी व्हाट्सएप की रिपोर्ट मैंने अल्ट्रासाउंड से देखी और 4 तारीख के बाद हम लोगों ने उसका सीजर करने का प्लान किया था, क्योंकि उसकी बच्चे की काफी कंडीशन खराब थी। इसलिए उसको ये कहा गया कि आप पहले कोरोना टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि बिना कोरोना टेस्ट के हम लोग कोई भी ऑपरेशन नहीं करते हैं। इसके बाद वो अपने घर चली गई और पेटकाइन वाले ने उसके घर जाकर ही उसका कोरोना का टेस्ट किया 2 तारीख को, जिसकी रिपोर्ट आज आई है। तो रिपोर्ट की पेटकाइन वाले ने ही मुझे फोन करके बताया कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। उससे हमारा कोई, मेरा कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है। अभी CMO साहब भी जाँच करने आए थे, तो उन्होंने देखा कि हम सारे नॉर्म्स पूरे कर रहे हैं, हमारा सारा स्टाफ PPE किट और N95 मास्क पहने हुए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आप लोग अपने हॉस्पिटल में ही सेल्फ क्वारंटाइन रहेंगे, हमको कहीं ले जाया नहीं जाएगा। हॉस्पिटल अभी आप बंद रखिए जब तक कि पूरी जांचें नहीं हो जाती, यही क्वारंटाइन करेंगे। मैं डॉक्टर सुरेश सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी बोल रहा हूँ। मुझे अवगत कराना है कि आज दिनांक 5/5/2020 को दो रिपोर्ट पेटकाइन लैब से कोरोना पॉजिटिव की मिली है, और ये केडी हॉस्पिटल की है। इसमें मरीज धर्मदास श्रीवास्तव डॉक्टर रीना केडिया को दिखाया था, और एक मरीज रिजवान हॉस्पिटल जो डॉक्टर रिजवान का के द्वारा भर्ती किया गया था, वो फ्रैक्चर का मरीज है। और इन दोनों मरीजों को L1 चिकित्सालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चितौरा में भर्ती किया जा रहा है। बाकी दोनों नर्सिंग होम अभी बंद कर दिए गए हैं, और उनके डॉक्टर्स को होम क्वारंटाइन में रखा गया है, और सभी जो है उनको भी आइसोलेशन, सभी जो कर्मचारी थे जो उस मरीज के कॉन्टैक्ट पर है उनको भी आइसोलेशन में रखा गया।